आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जोश राइडर्स पे। आज आप हमारे सामने देख रहे हैं आइशर प्रो 2118 यानी आइशर प्रो 2118 इसको हम कहते हैं। तो जो 3018 है उसी का भाई छोटा भाई है ये। 3018 स्लीपर केबिन में आती है और ये जो है डे केबिन में है। और एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमारे वीडियो को देख के इस गाड़ी को पसंद किया और ये इन्होंने दो गाड़ी इन्होंने निकाली है, ठीक है। तो एक गाड़ी तो कम्प्लीटली इन्होंने बॉडी पूरी बनवा ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी बॉडी जो है इन्होंने अपनी बाहर से बनवाई है। और दूसरा जो है गाड़ी वो चेसिस में वो भी है और उसकी जो बॉडी है वो आप ये देख रहे हैं ये इन्होंने बनाई है। तो वो हमारे साथ भी हैं जो ऑनर हैं, ठीक है। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार है। तो भैया हमारी जो वीडियो देख के आपने ये जो गाड़ी जब खरीदी तो कैसा लगा? मतलब बहुत अच्छी गाड़ी है। तो चैनल पे हमारी वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई दी होगी, है ना। तो कितने टाइम से भैया आपने सब्सक्राइब किया हुआ है हमारे चैनल को? मतलब 2-4-5 महीने हो गए। 5 महीने से आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो भैया अब जैसे ही आपने ये गाड़ी जो ली है तो कैसी लग रही है आपको ये गाड़ी? बेस्ट है, बेस्ट है। और भी गाड़ियाँ होंगी भैया आपके पास? आइशर की और भी 10 गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ हैं, बहुत बढ़िया। तो भैया जैसे अब आपने ये 2118 लेने का जो मन बनाया तो आखिर मतलब क्या क्या रहा इसके पीछे रीजन? इसके रीजन ये रहा इसके टायर बड़े हैं तो ये और चलने में आरामदायक है, ड्राइवर को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आरामदायक है और इसमें और कोई मतलब सफर में कोई वैसा आरामदायक है, सब चीज बढ़िया, सफर चलने में अच्छा है, माइलेज भी अच्छा है इसका। तो CNG में भैया जैसे कि हमारी ये गाड़ी जो है ये CNG में है तो कितने भैया उसमें ये रहता है क्या कहते हैं कितने रुपए की पड़ी है? ये मेरे को 21,60,000 रुपये की पड़ी है। 21,60,000 की पड़ी है। केबिन चेसिस, बाकी बॉडी आपने ऊपर से बनाई है, अलग से बनवाई है। तो बॉडी बनाने का भैया कितना खर्चा रहा? बॉडी बनाने का खर्चा लगा 2,30,000 रुपये। 2,30,000 रुपये की बॉडी बनी है और आपने दो गाड़ियाँ ली हैं ऐसी, है ना। तो एक का तो आपने पूरा कम्प्लीट करवा लिया बॉडी और दूसरी जो गाड़ी है उसका जो बॉडी है ये रही है, बन रही है, ठीक है। ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बाकी भैया डाउन पेमेंट वगैरह आपने कितना किया इस गाड़ी का? फुल फाइनेंस पे गाड़ी ली। फुल फाइनेंस पे है तो अभी EMI तो बहुत ज़्यादा आ रही होगी। हाँ आ रही है, तो क्या करें, करना तो पड़ेगा। EMI कितनी आ रही होगी भैया इसकी? 61,000 रुपये आ रही है EMI। 61,000 रुपये की EMI आ रही है और इंश्योरेंस भी लगा होगा? हाँ इंश्योरेंस सब A to Z। इंश्योरेंस वगैरह कितना होगा भैया, कुछ आइडिया? इंश्योरेंस है इसका 61,000 रुपये का। 61,000 रुपये का। RTO वगैरह कितना होगा? RTO मैं कह नहीं सकता। फिटनेस वगैरह कुछ? हाँ फिटनेस में 51,000 रुपये लगे। 51,000 रुपये फिटनेस में लगे हैं भाई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये गाड़ी है, ये जो है गाड़ी अपनी 22 फुटी है, ठीक है। और इसको जो है क्या कहते हैं इसमें आपको CNG का है। तो CNG के भैया इसमें कितने टैंक लगे हुए हैं? इसमें 4 टैंक CNG के लगे हुए हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें 4 टैंक आपको देखने को मिल जाता है CNG का, ठीक है। और कितने भैया कितने किलो इसमें गैस आ जाएगी CNG के? इसमें गैस कैपेसिटी इसमें 546 किलो वो दे रखा है कैपेसिटी। हाँ बस गैस का 75 किलो मान लो, 75 किलो के करीब गैस आएगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बड़ी सी टंकी आपको यहाँ पे दिखाई देती है, साथ ही साथ में एक छोटी टंकी यहाँ पीछे आपको दिखाई देगी, ठीक है जी। 2 टंकियाँ हो गई और बाकी 2 इस तरफ हैं। तो बॉडी काफ़ी अच्छी भी है ना बनाई हुई है पूरी, तो इन्होंने अपने हिसाब से बनाई है बॉडी, तो पूरा काफ़ी मजबूत बढ़िया बना हुआ है। तो एक बाकी यहाँ पर तैयार हो ही रहा है। तो टैंक की मैं आपको बता रहा था, देखो एक यहाँ पे दिया हुआ है छोटा वाला और एक इधर भी है, तो कुल मिला के 4 जो है टैंक है, ठीक है। तो अब भैया जैसे कि ये जो बॉडी आपने बनवाई और एक बॉडी हमारे सामने यहाँ पे बनी रही है अभी, तो कितना भैया लगभग लोहा इसमें लग जाता है? इसमें लोहा 25 क्विंटल के करीब लग जाता है। 25 क्विंटल? हाँ जी। अच्छा जी, कई लोग हैं जो हमारे जो है ना हिंदी को समझ नहीं पाते, तो इंग्लिश में अगर अपन कहें 2500 किलो, हाँ जी, यानी 2500 kg, हाँ जी, ठीक है। इतना जो है लोहा अपना ये जो है हम देख पा रहे हैं ये लग गया है। तो इसमें भी ये क्या रेट क्या रहता है, इन्होंने क्या रेट लगाया होगा? इन्होंने 98 रुपये किलो बनवाया है। 98 रुपये बनाया है इन्होंने। अच्छा 98 अगर बोले तो 98, ठीक है। कई लोग जो हैं वो हिंदी नहीं समझ पाते। बनवाया मैंने। और कितने दिन में भैया बॉडी बन जाती है ये? ये 10 से 15 दिन में बना के तैयार कर देते हैं। 10 से 15 दिन के अंदर जो है भैया ये बॉडी पूरी जो है बन जाती है, है ना। मैं आपको पूरा बॉडी का भी एक बार लुक जो है दिखा देता हूँ इधर से। देखो ये बैक वाला लुक हम देख रहे हैं, पीछे का ये जो कि ये बना रहे हैं अभी, कम्प्लीट अभी काम चल रहा है अभी, ठीक है। और उधर जो है आगे का है, आगे का भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो बॉडी जो है काफ़ी मजबूत है। देखो आप ये जो चीज़ होता है ना, जो काम जब हम बाहर से करवाते हैं तो ये चीज़ आप एक्स्ट्रा अपना करवा सकते हो अपने हिसाब से। तो ये कुछ रहता है भाई, मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ एक बार को। तो भाई ये कुछ इधर से इन्होंने ऐसे बॉडी इन्होंने बनवाई हुई है पूरी, ठीक है। और अपनी बाकी वो जो है वो गाड़ी जो कंप्लीट है आप देखो वहाँ पे वो है और बाकी यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये चल रहा है, बाकी यहाँ पे भैया लोग हैं ये काम वाम करते हैं, यही बॉडी पूरी जो है
तैयार करते हैं, इनसे भी एक बार को बात कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये है भाई साहब जो काम वाम करते हैं। नमस्कार भैया, पेंटिंग भी आपने करी है? जी भाई, बहुत बढ़िया। कितना टाइम लगता है भैया पेंट वेंट करने में? 4 दिन लग जाते हैं। 4 दिन लग जाते हैं, मौसम साफ होता है। अच्छा, मौसम थोड़ा गंदा होता है फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा। और बाकी लोहे की जो कटिंग वटिंग और वो सब है वो भाई ये करते हैं। ठीक है, और भैया के यहाँ पे मुजफ्फरनगर में दुकान है, यहाँ पे ये सारा काम आप देख सकते हैं। राणा चौक है यही पास में, और यहाँ पे भैया की दुकान है, बाकी सारा काम जो बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। अब भैया यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे और बात करते हैं। जो दूसरा हमारा चेसिस है वो उधर खड़ा है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि वो चेसिस कैसा है। तो भैया ये जो गाड़ी है ये अपनी फ़िलहाल जो है नॉन एसी है। नॉन एसी है ना। ठीक है, और भैया जैसे कि अब आपने गाड़ी ली है, दो गाड़ियाँ ली है, और भी गाड़ियाँ हैं आपके पास, तो कई लोग ये कहते हैं कि यार गाड़ी में ना भाड़े वगैरह की उनको बड़ी दिक्कत रहती है, आप कैसे इसका करते हो? ट्रांसपोर्ट से चल रहे हैं हम भी, इधर उधर करके मैनेज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पकड़ रखे हैं, बस उधर से भी इधर से भी, उधर से थोड़ा अपना काम है और ट्रांसपोर्ट से भी चलना पड़ता है। बस, और बंदा लगा बंदा है, काम है अपना बिजनेस है। चले, तो तभी आप चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, है ना। बाकी जो नया भाई लोग जो अगर कोई इस गाड़ी को बनाना चाहे तो क्या कहते हैं उसको, टाटा लेनी चाहिए, आइशर लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए? वो तो भाइयों को पसंद है, कोई टाटा भी पसंद करता है, कोई आइशर भी पसंद करता है, पर मेरे हिसाब से आइशर ही बेस्ट गाड़ी है। आइशर बढ़िया है। तो आइशर की आपने सर्विस भी बहुत करवाई होगी और सब भी करवाया, तो कैसा रहता भैया? इसके थोड़ा स्पेयर पार्ट थोड़े महंगे हैं, सर्विस पर गाड़ी चलने में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया लगती है। हाँ जी, इसमें ड्राइवर के लिए फैसिलिटी भी है, और पर्पस ड्राइवर इसमें थकान महसूस नहीं होता। टाटा में गाड़ी में तो थक जाता है इंसान चला के। अच्छा, पर इसमें ड्राइवर थकता नहीं है, इसमें नहीं थकता। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। 150 किलोमीटर आराम से सफर काट के आराम से उसमें थकान महसूस नहीं होती। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो अभी देखो बिल्कुल न्यू ब्रांड यार गाड़ी है, फ्रंट से देखो आपको मैं एक बार लुक दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा जो है इसका लुक आता है। पिगासस कंपनी कहती है, पिगासस लुक जो है इसको दिया जाता है, इसको नाम कहते हैं। बाकी ईगल से इंस्पायर्ड है ये, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि इसमें आपको यहाँ पे फॉग लैंप वगैरह भी देखने को मिलता है, नीचे आपको एक हैवी जो है बम्पर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी एडिशनल इन्होंने अपना लगवाई रखा है, अब तक इनका नंबर प्लेट भी देखो आप नहीं आए हैं, ठीक है, इसके लिए भी इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो भैया जैसे कि अब आपने ये सारी चीज़ें करवा ली, तो अब नंबर जो है अब आपका आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई आरटीओ वाला बोले कि भाई तुमने ये सब कैसे लगवा लिया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता कुछ नहीं। चल, तो कई भाई लोग हैं उनको ये दिक्कत रहती है कि भाई, ठीक है। बाकी हर चीज़ भी यहाँ करवा लिया, मैं आपको यहाँ से भी एक बार को लुक दिखा देता हूँ। इसका लॉक है अभी फिलहाल, देखो ये यहाँ से लुक है। तो भैया ये सीट वगैरह भी भैया ने बनवा ली है। चलो मैं आपको सीट भी दिखा देता हूँ, देखो बिल्कुल फ्रेश भाई नया, ये सीट वगैरह भी भैया ने अपनी तैयार करवा ली है, और इस तरीके से भाई गाड़ी का लुक है, ठीक है। यहाँ बाकी अपने इन्होंने चार्जिंग वार्जिंग का भी कुछ जुगाड़ वगैरह लगवा लिया है, इधर इन्होंने पंखा वगैरह भी लगवा लिया, तो कंप्लीट हो गई है गाड़ी, ठीक है। और ये कुछ लुक है गाड़ी का, ठीक है। गियर की अपन बात करें भैया, कितने गियर है इसमें? इसमें 7 गियर है, 6 गियर और एक बैक गियर, एक बैक गियर है, ठीक है। चलिए लॉक कर लेते हैं भैया इसको। आराम से बस। अब आपको मैं चेसिस दिखा देता हूँ इसका, जो हमारा चेसिस वहाँ पे खड़ा है वो चेसिस भी अपन लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चेसिस अपना ये रहा, यहीं पास में ही है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। काफ़ी बढ़िया है यार, यहाँ पे मुजफ्फरनगर में काफ़ी अच्छा काम होता है बॉडी वॉडी का, लेकिन इनकेस अगर आप लोग भी अगर आना चाहें तो आप लोग भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको दिखा देता हूँ, देखो ये रहा, ये हमारा जो है चेसिस यहाँ पे खड़ा है। तो भैया ने 2 गाड़ियाँ ली हैं, तो ये रही चेसिस, उसकी बॉडी वहाँ पे बन रही है वो मैंने आपको दिखाई दिया। बाकी चेसिस यहाँ पे हैं, आप देख लो, 4 इसमें आपको जो है टैंक मिल जाते हैं सीएनजी के, जिसमें कि करीब 75 kg जो है गैस आ जाएगी। एवरेज की अगर हम लोग बात करें तो एवरेज जो है कंपनी वाले भैया एवरेज कितना बताते हैं? उन्होंने 8 का बता रखा है, 8 का बताया हुआ है, लेकिन मोटा मोटा फिर भी कितना दे देगी आपके हिसाब से? 6 दे देगी, मतलब 6 तो कन्फर्म है भाई, 6 तो कहीं नहीं गए, 6 आपको पक्का मिलेंगी। ये इसका कुछ इंजन वगैरह है, ये सब आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो बढ़िया है यार गाड़ी कुल मिला के, मैं आपको फ्रंट से भी दिखा देता हूँ इसका मॉडल नंबर। यहाँ आपको सीएनजी की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, और देखो ये है फ्रंट से भी 2118, ठीक है जी, ये इसका मॉडल नंबर। बाकी ये चीज़ें इधर से भी अपन देख लेते हैं, ये है भाई कुछ गाड़ी का लुक, ठीक है। बॉडी के साथ भी आपने देख लिया,
और बिना बॉडी के भी आपने देख लिया ये चीज़ें। इसमें आपको जो एक बैटरी इसमें आपको देखने को मिल जाती है एक साइड की, और इसकी जो वीडियो है वो चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। ये है 6 टायर हैं बेहतरीन है भैया। इसकी अगर अपन लोग उसकी बात करें पासिंग वगैरह की कितनी रहती है? ये 12 टन तो माल छोड़ती है ये, और ग्रॉस वेट इसका 18 टन है। 18 टन का है, ठीक है। इसमें भैया इसी का जो है वो आता है 30-18 आता है। हाँ जी, तो वो भी सेम उतना ही है। सेम है, तो वो वाला आपने मॉडल क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसका केबिन बड़ा है, चक्कर है, मेरा लोकल का काम है, इसलिए मैंने उस गाड़ी को पसंद नहीं करके ये गाड़ी मुझे बेस्ट लगा। लोकल के काम के लिए बढ़िया है, बेस्ट है, मतलब बाहर के लिए भी सही है, पर मेरी गाड़ी दिल्ली मुजफ्फरनगर चलती है, इस बेस पे मेरे को यही गाड़ी बेस्ट लगा। सही है, तो दिल्ली मुजफ्फरनगर और आसपास के लोकल एरिया के लिए बढ़िया गाड़ी है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी गाड़ी है ये। और अभी जो है कंपनी अपने कस्टमर का ख्याल रख रही है यार, जैसा कस्टमर कह रहा है वैसा जो है गाड़ी कंपनी निकाल के दे रही है आयशर, तो आयशर की सर्विस बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो बाकी भैया और जो नए भाई लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो गाड़ी बाजी में आ रहे हैं? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप 21-18 लेके देखिए, बहुत अच्छी गाड़ी है, टायर भी इसके बड़े हैं, माइलेज भी अच्छा है, गाड़ी चलने में बहुत बेस्ट है। टायर इसके अगर अपन देखें तो क्या साइज होगा भैया ये? 295/90 R20। 295, ठीक है जी। तो टायर ये है, ठीक है। बाकी इसमें भैया टायर का भी कुछ रहता है कि टायर अपने मनपसंद के हम लोग लगवा सकते हैं क्या? वो तो कंपनी से बात करके हो सकता है, वैसे लगा नहीं सकते, जो कंपनी देगा वो तो अलुएबल देगा ही। अपने को इसमें कौन से वाले टायर लगे हुए हैं? मेरे अपोलो के टायर लगे हुए हैं इसमें, अपने को अपोलो के टायर इसमें लगे हुए हैं, ठीक है जी। ठीक है, ये अपोलो लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो चारों जो टायर हैं मतलब 6 के 6 जो टायर हैं वो अपने पास अपोलो के ही हैं, ठीक है। तो कैसा लगता है भैया अपोलो टायर में, कौन से टायर बढ़िया है आपका एक्सपीरियंस क्या? अपोलो भी बेस्ट है, MRF भी बेस्ट है, तो गाड़ी जिस हिसाब से चल रही है मेरे को अपोलो और MRF दोनों बेस्ट लगते हैं, दोनों बढ़िया लगे, ठीक है ना भाई। सेम मुझे भी ऐसा ही है, अपोलो और MRF मुझे बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। तो मेरी सोच और भैया की सोच करीब करीब मिलती जुलती है, ठीक है जी। बाकी आप लोग कमेंट करना आपको कौन सा बढ़िया लगता है, और आप लोग ये भी कमेंट करो कि यार 21-18 जो मॉडल है ये आपको कैसा लगा, ठीक है ना, ये कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और आप लोग के कमेंट से ही हम लोग को पता चलता है कि आप लोगों को क्या चीज़ें अच्छी लग रही है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही, और क्या आप लोग चाहते हैं वीडियो में। तो भाई ये कुछ है, तो भैया आपने अपना कीमती समय हमें दिया भैया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज आपको एक फाइनली आज हमें एक सब्सक्राइबर जो हमारे हैं उनसे आपकी मुलाकात हो ही गई है। बाकी आप लोग ऐसे ही वीडियो को शेयर करिए, है ना, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, ताकि वीडियो जो है अच्छी अच्छी वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनको भाई जिनको गाड़ियों की ज़रूरत रहती है, गाड़ियों के बारे में नॉलेज चाहिए, तो उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच जाए। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी गाड़ी ध्यान से चलाइए, अपना ख्याल रखिए, बाय।